आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कौन से ऐसे स्टॉक है जो हम कल के लिए इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेके जा सकते हैं। इस लिस्ट में जो हमारा पहला स्टॉक है वो है ब्रिटानिया इंडस्ट्री। अभी इसको मैं क्यों लेके जा रहा हूँ, तो इस चार्ट को जब हम वन डे पे देखते हैं तो आप इसमें देखिए, एक आपको डाउन साइड देखने को मिली, बाद में अपसाइड, फिर से डाउन साइड, फिर से अपसाइड। और हाल फिलहाल आप ये स्टॉक को देख रहे हो तो आपको क्या है कि एक डबल बॉटम जैसी पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। सो इसलिए मैं इसको लेके जा रहा हूँ। वॉल्यूम भी अच्छा आया है ब्रेकआउट के टाइम। सो नॉर्मली क्या है कि एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट देखने को मिला है ब्रिटानिया में, इसलिए हम इसको लेके जा रहे हैं। तो एंट्री कब लेंगे, तो एंट्री आप ये कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेते हो तब भी एंट्री ले सकते हो। तब आप क्या है कि पोजिशनल टाइप अगर आपको एंट्री लेनी तब लेना है एक कैंडल के हाई के ऊपर, और आपका स्टॉप लॉस ये लास्ट लो रहेगा। तो क्या है कि पोजिशनल टाइप एंट्री लेनी है तो ये कैंडल के हाई के ऊपर भी एंट्री ले सकते हो। अगर आपको क्या है कि शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेना है तो आप इसमें वेट कीजिए कि ये स्टॉक आपको छोटे टाइम फ्रेम पे क्या है कि थोड़ा रिट्रेसमेंट देता हुआ दिखे, बाद में अप जाता हुआ दिखे, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो। सो नॉर्मली ये स्टॉक को क्या है कि अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखिए। ये नेक लाइन जो है इसका क्या है कि इसके ऊपर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे क्या है कि ब्रेकआउट एंड रिट्रेस जैसा सेटअप देखने को मिलता है, यहां से कोई अप जाने का कोई बुलिश साइन मिलता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो। तो जो हमारा पहला टारगेट होगा वो 3800 का लेवल होगा। उसके बाद अगर आपको क्या है कि और भी ट्रेंड राइड करना है और क्या है कि आपको बुलिशनेस दिखती है तो आपको इसमें क्या है कि 4000 के टारगेट के लिए जा सकते हो। तो ये दो टारगेट है जो आपको ब्रिटानिया में क्या है कि अगर प्रॉपर ट्रेंड मिला तो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये था हमारा पहला स्टॉक ब्रिटानिया जिसमें आपको डबल बॉटम का ब्रेकआउट देखने को मिला है, सो इसीलिए हम इसको लेके जा रहे हैं। और दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरा सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। अभी इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो देख लेते हैं। अभी इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो है आपका नवीन फ्लोराइड। अभी इसको मैं क्यों लेके जा रहा हूँ, तो ये स्टॉक को आप देखे हो कि आपको एक अच्छी सी अपसाइड मिली, बाद में थोड़ा रिट्रेसमेंट, मतलब ये रेजिस्टेंस एक बार दो बार, बाद में ये ब्रेकआउट करके अपर गया। ब्रेकआउट के टाइम भी आपको क्या है कि अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है, बाद में क्या है कि रिट्रेस किया, बाद में नीचे आया। तो देखो जो पिछला रेजिस्टेंस था वहीं ये सपोर्ट लिया, बाद में थोड़े टाइम कंसोलिडेशन किया। आज के दिन क्या है कि डबल बॉटम या तो क्या है कि रेंज ब्रेकआउट जैसे एक पैटर्न का क्या है कि ब्रेकआउट देखने को मिला है अच्छा वॉल्यूम के साथ। सो इसलिए हम इसको लेके जा रहे हैं। नॉर्मली आप क्या है कि डबल बॉटम भी बोल सकते हो, ये देखो नीचे ये डबल बॉटम डब्ल्यू जैसी पैटर्न, और क्या है कि आप इसमें रेंज ब्रेकआउट, मतलब ये क्या है कि देखो ये रेंज हो गई आपकी, तो रेंज ब्रेकआउट भी देखने को मिला, सो इसीलिए हम इसको लेके जा रहे हैं। नॉर्मली अगर आपको एंट्री लेनी है तो कब लेंगे, तो आप इसमें एंट्री लेंगे ये कैंडल के हाई के ऊपर, स्टॉप लॉस अपना लास्ट लो लगाई, या तो क्या है कि वेट कीजिए छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 आवर्स 2 आवर्स पे आप देखिए कि ये रिट्रेस करता है ये लाइन के आसपास, फिर से आपको मिलता है वहां से कोई बुलिशनेस देखने को मिलती है उस टाइम फ्रेम पे, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो और जो अपना लास्ट लो है वो अपना स्टॉप लॉस लगा के। अगर आपको इसमें टारगेट की बात करें तो टारगेट जो हमारा पहला रहेगा वो 3640 का रहेगा। अगर इसमें आपको और भी आगे बुलिशनेस देखने को मिलती है और भी आगे लेके जाना चाहते हो तो स्टॉप लॉस शिफ्टिंग के साथ 3900 के टारगेट के लिए आप इसमें जा सकते हो। तो ये था हमारा दूसरा स्टॉक नवीन फ्लोराइड जिसमें क्या है कि एक सपोर्ट के पास क्या है कि कंसोलिडेशन मिला, आज के दिन इसका ब्रेकआउट हुआ है विथ वॉल्यूम, सो इसलिए हम इसको लेके जा रहे हैं। अभी इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो देख लेते हैं। अभी इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो है मैक्स हेल्थ केयर। अभी इसको मैं क्यों लेके जा रहा हूँ, ये स्टॉक को हमने वीकली वीडियो पे भी सजेस्ट किया है, एक बार वो जाके देख लीजिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अब तक। तो इसमें आप देखिए एक अच्छी सी अपसाइड, बाद में कंसोलिडेशन, फिर से अपसाइड, फिर से कंसोलिडेशन, यहाँ एक ब्रेकआउट कर दिया। सो इसीलिए मैंने वीकली वीडियो पर भी सजेस्ट किया था कि आप इसमें क्या कि एंट्री ले सकते हो ये लास्ट लो के साथ, या तो क्या है कि ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट जैसा सेटअप पर वेट कर सकते हो। तो हाल फिलहाल आपको इसमें क्या है कि ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट जैसा सेटअप देखने को मिला। तो देखिए ये इसका रेजिस्टेंस था, एक बार दो बार तीन बार चार बार ब्रेकआउट किया, बाद में आज के दिन इसने क्या किया नीचे गया, फिर से क्या है कि अपर आ गया। सो इसलिए हम इसको लेके जा रहे हैं। नॉर्मली एक अनडिसिजनल से कैंडल बना दिए, सो इसीलिए हम इसको लेके जा रहे हैं। और वो कहाँ बनाई है, आपके क्या है कि ब्रेकआउट वाला जो रेजिस्टेंस था वही है सपोर्ट लेने की ट्राई करा। सो एंट्री कब लेंगे, नॉर्मली ये कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री ले सकते हो आप। अगर आपको इसमें एंट्री मिल जाती है तो यही कैंडल का लो, मतलब जो ये लास्ट लो है वो अपना स्टॉप लॉस लगाइए। सो नॉर्मली जो हमारा मैक्स हेल्थ करे वो ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट जैसा सेटअप बना रहा है, इसलिए हम इसको लेके जा रहे हैं। इसमें हम टारगेट की बात करें तो जो हमारा पहला टारगेट होगा वो 270 का लेवल होगा, और आगे अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो 290 का आपका दूसरा टारगेट होगा। तो स्टॉप लॉस सिस्टम के साथ आप क्या है कि दूसरे टारगेट के लिए भी जा सकते हो। अभी इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो देख लेते हैं।
अभी इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो है स्पार्क। इसको मैंने एक बार आगे भी सजेस्ट किया है कि आपको इधर क्या है कि ब्रेकआउट मिला है, एक बार क्या है कि ड्रॉइंग लगा लेता हूँ, सो और बेटर आइडिया कि यहाँ आपको क्या है कि एक अच्छा सा ब्रेकआउट मिला है वॉल्यूम के साथ। सो क्या है कि उस टाइम भी मैंने सजेस्ट किया कि आप इस पर क्या है कि नज़र बनाए रखें, या तो आप एंट्री ले सकते हो यही कैंडल का लो लेके, एक तो क्या है कि वेट कर सकते हो कि ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट जैसा सेटअप बनाए, लेकिन एग्जिट जो रेजिस्टेंस था वहीं है। ब्रेकआउट के टाइम क्या है कि मतलब सपोर्ट लेने नहीं गए, थोड़े टाइम एक कंसोलिडेशन किया, बाद में अभी क्या है कि ब्रेकआउट के बाद बाहर निकला है वॉल्यूम के साथ। सो इसीलिए हम इसको लेके जा रहे हैं। एंट्री कहाँ ले सकते हो, तो यही कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री ले सकते हो, ये जो लास्ट लो है अपना स्टॉप लॉस लगाइए। अगर आपको इसमें वेट करना है, लो रिस्क एंट्री लेना चाहते हो, तो ये जो हाई है जो ये पिछला हाई है, अगर ये क्या है कि छोटे टाइम फ्रेम पे इस पर क्या है कि ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट जैसा सेटअप बना के अपर जाने का कोई बुलिशनेस साइन देता है, तो आप इसमें क्या है कि वहाँ वेट कर सकते हो कि एक बार थोड़ा नीचे जाए, थोड़ा क्या है कि उस लेवल के पास क्या है कि आपको बुलिशनेस देखने को मिले, तो आपको क्या है कि एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ एंट्री मिल सकती है। सो अगर आपको एंट्री मिल जाती है तो आप इसमें क्या है कि आगे के लिए टारगेट के लिए जा सकते हो। इसमें हमारा पहला टारगेट होगा वो 290 का लेवल होगा। अगर ये अचीव हो जाता है और आपको आगे कंटिन्यू करना है, आपको और बुलिशनेस देखने को मिलती है, तो आप स्टॉप लॉस शिफ्टिंग के साथ 325 टारगेट के लिए जा सकते हैं। स्पार्क नॉर्मली क्या है कि एक वीकली पे अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिला है, सो नॉर्मली आप इसमें क्या है कि ट्रेडिंग कर सकते हो। देखिए लो रिस्क सेटअप मिलता है तो आप इसमें ज़रूर अपने रिस्क, अपने मनी मैनेजमेंट और अपने एनालिसिस पे एंट्री लीजिएगा। तो ये चार स्टॉक है जो हम कल के लिए इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेके जा रहे हैं। इंट्राडे वाले देखिए कि कौन से स्टॉक में आपको अपने सेटअप के हिसाब से एंट्री मिलती है, बाद में ही एंट्री लीजिएगा। और जो सभी वीडियो में मैं बोलता हूँ, इस वीडियो में भी बोलूँगा कि यहाँ एक एनालिसिस शेयर की जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। आप देखिए, आप अपने एनालिसिस पे, आप अपने रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट पे एंट्री लीजिएगा। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे। सो प्लीज़ यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय जय हिंद।